इंदौर के समीप देपालपुर का शहीद भागीरथ सिलावट महाविद्यालय है, जहां देश के नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिर प्रभारी प्रिंसिपल अनीता जैन की रूढ़िवादी सोच का शिकार महाविद्यालय के विद्यार्थियों को होना पड़ रहा है। महाविद्यालय को भले ही मॉडर्न डिग्री महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया हो, हकीकत आप भी जानिए, देखिए तस्वीरों में। ये पुरानी बिल्डिंग है भाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के गृह जिले इंदौर के समीप देपालपुर के शहीद भागीरथ महाविद्यालय की, जहाँ के विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधा पाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मंत्री को भी यहाँ की सभी जानकारी पता होने के बावजूद भी यहाँ के हालात को ठीक करवाने के लिए एक भी प्रयास नहीं किया है। मंत्री पटवारी शहरों के विद्यार्थियों पर तवज्जो देते हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों पर कोई ध्यान नहीं, क्यों नहीं दिया जा रहा है? देपालपुर विधायक विशाल पटेल और सीएम कमलनाथ भी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के गृह जिले में ऐसी स्थिति क्यों? देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। किसी प्रकार का कोई ऐसा वह जिसको कि आप सुधारना चाहें, मेरे यहाँ सारी क्लासेस चल रही हैं, मेरे यहाँ एडमिशन चल रहे हैं, मेरे यहाँ परीक्षाएं चल रही हैं, सब कुछ व्यवस्थित और समय पर चल रहा है। मेरे यहाँ प्रोफेसर जो है एक हिंदी में है, राजनीति शास्त्र में है, इतिहास में है, और अभी जो ट्रांसफर हुए हैं इकोनॉमिक्स में भी है, अभी जो ट्रांसफर हुए वो इंग्लिश में और सोशियोलॉजी में हुए। कितने पद है? दो, इंग्लिश का और सोशियोलॉजी का। मैं ऊपर तक सब दूर प्रयास करूंगी कि जल्दी से जल्दी मेरे को प्रोफेसर उपलब्ध हो, बच्चों के हित में हो। वर्तमान में मैंने पत्राचार किया था, मतलब मैंने स्वयं ने तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरी प्रिंसिपल जो थी उन्होंने जरूर किया है, और मैं विधायक जी से भी मिली संदर्भ में, और मेरी पूरी कोशिश जारी रहेगी और जारी रहूंगी। विधायक जी ने कहा शीघ्र से शीघ्र सारी व्यवस्था है, आपके यहाँ दो प्रोफेसर भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, कोशिश जारी है। अब जो मेरे पूर्व प्राचार्य थी उन्होंने आगे जो भी कुछ किया है उससे मुझे धीरे धीरे अवगत हो रहा है, वही इतना ही जानकारी कि उन्होंने कोशिश तो की है। मेरे महाविद्यालय में तो बिल्कुल गंदगी का अंबार नहीं है, आप देख के आइए, पूरी बिल्डिंग मेरी साफ सुथरी है बिल्कुल। डॉक्टर अनीता जैन, प्राध्यापक हिंदी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान देव